नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि लिबर्टी क्या होती है, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली J.S. मिल का लिबर्टी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या ओपिनियन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपको बता देता हूँ, क्लास 11th, 12th और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे चैनल पे दी गई सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं लिबर्टी की, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिबर्टी की शुरुआत लिबरलिज्म से होती है। तो लिबरलिज्म की जो विचारधारा है उसका सबसे मेन और कोर कंसेप्ट ही लिबर्टी है। और हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिबर्टी की बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। वैसे लिबर्टी का मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग है, मतलब आप समाज के किसी भी वर्ग से पूछोगे तो सबके लिए लिबर्टी का अलग अलग मतलब है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बिजनेसमैन से पूछते हो तो उसके लिए लिबर्टी का मतलब होगा कि उसे टैक्स देने से आज़ादी मिल जाए, या सरकार का कम से कम इंटरफेरेंस हो उसके बिजनेस के अंदर, ये उसके लिए आज़ादी होगी। हम किसी स्टूडेंट से पूछे तो उनके लिए एग्ज़ाम से, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सबसे छुटकारा मिल जाए, उनके लिए वो आज़ादी होगी। या हम किसी पुअर पीपल से पूछते हैं तो उसके लिए सिर्फ दो वक्त की रोटी उसको मिल जाए, वही उसके लिए आज़ादी होगी। तो बेसिकली क्या है, लिबर्टी जो है, आज़ादी का जो मतलब है वो सबके लिए अलग अलग है। लेकिन फिर भी हम इसका एक कॉमन और बेसिक डेफिनेशन निकालने की कोशिश करें तो लिबर्टी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, एब्सेंस ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स। मतलब जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी लिमिटेशंस हैं, उन सभी को ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर से हटा देना, इसका मतलब उसको लिबर्टी मिल जाती है। तो लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट। अब वो कंस्ट्रेंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो। इसके अलावा लिबर्टी एक बहुत ही मॉरल और बेसिक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंडिविजुअल फ्रीडम हम सिर्फ तभी कह सकते हैं किसी ह्यूमन बींग्स को जब वो अपने फैसले पूरी तरीके से आज़ाद होकर, स्वतंत्र होकर, बिना किसी दबाव के और बिना किसी डर के अपने फैसले ले सके। तो लिबर्टी एक बहुत ही बेसिक और मॉरल कंसेप्ट है, बहुत एलिमेंट्री कंसेप्ट है, जिसके बिना कोई भी इंसान अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम लोग टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी के दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। सबसे पहले बात करें अगर नेगेटिव लिबर्टी की, तो नेगेटिव लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो अर्ली लिबरलिज्म से निकल कर आया है, खासतौर पर जो 19th सेंचुरी का जो लिबरलिज्म था, जो उसकी फिलॉसफी थी, वहीं से कंसेप्ट निकल के आया नेगेटिव लिबर्टी का। नेगेटिव लिबर्टी को हम लोग एब्सोल्यूट लिबर्टी भी समझ सकते हैं, मतलब संपूर्ण आज़ादी। तो नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है वो आपसे कहता है कि लिबर्टी मींस फ्रीडम फ्रॉम ऑल द कंस्ट्रेंट्स। मतलब नेगेटिव लिबर्टी कंसेप्ट आपसे बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर हर एक तरीके की पाबंदियों से छुटकारा मिल जाना। अब वो पाबंदी कैसे भी हो सकती हैं, द कंस्ट्रेंट मे बी लीगल, द कंस्ट्रेंट मे बी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो इसमें आपको लीगल कंस्ट्रेंट की बात भी की जाती है कि लीगली तौर पर भी इंडिविजुअल के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी पाबंदियों से आज़ादी मिलना, उसको हम नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं। और इसका मतलब कि एक इंसान, कोई भी इंडिविजुअल पूरी तरीके से आज़ाद है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जो वो फैसले लेना चाहता है, जो वो चीज़ करना चाहता है समाज के अंदर, उसको बिना किसी डर के अपनी मर्जी से उसको कर सके। तो ये नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट है। बात करें इनके प्रपोनेंट्स की, तो कुछ फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, जैसे हॉब्स, जॉन लॉके, डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली J.S. मिल। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं J.S. मिल ऑन लिबर्टी। J.S. मिल का लिबर्टी के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो J.S. मिल वॉज वन ऑफ द ग्रेट प्रपोनेंट ऑफ द नेगेटिव लिबर्टी एंड द इंडिविजुअल लिबर्टी। तो J.S. मिल नेगेटिव लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और इंडिविजुअल लिबर्टी के भी बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और उनके द्वारा लिखा गया एसे ऑन लिबर्टी अब तक का लिबर्टी के ऊपर सबसे बेहतरीन डिस्क्रिप्शन है। तो उनके द्वारा जो लिखा गया एसे, उसका नाम है ऑन लिबर्टी, जिसके बारे में उन्होंने लिबर्टी के बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। और बात की जाए तो J.S. मिल कहते हैं कि लिबर्टी फॉर हिम इज द लाइफ ब्रीथ ऑफ द सोसाइटी। तो उनका मानना है कि जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए सांस की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है लिबर्टी। अगर लिबर्टी को समाज से हटा दिया जाएगा तो एक ऐसा समाज ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि J.S. मिल की जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी है उसके की पॉइंट्स की, उसके की फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला उनका की फीचर है एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट।
जैसा कि हम नेगेटिव लिबर्टी में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि उनका मानना भी यही था कि एब्सेंस ऑफ ऑल द कंस्ट्रेंट, तो जे एस मिल भी यही मानते हैं कि जितनी भी पाबंदियाँ हैं उन सभी को हटा देना चाहिए। तो जैसे कि चाहे वो पाबंदी सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, इवन द लीगल कंस्ट्रेंट मतलब कानूनी तौर पर भी कोई भी पाबंदी किसी भी सिटीज़न के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट और जे एस मिल का कंसेप्ट यही कहता है कि ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर इविल इन नेचर, मतलब जितनी भी लिमिटेशंस होती हैं, जितनी भी पाबंदियाँ होती हैं, वो सभी पाबंदियाँ कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकने की कोशिश करती हैं और किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होने से रोकती हैं। तो इसलिए उनका मानना है कि जितनी भी पाबंदी हैं वो सारी इविल इन नेचर मतलब बुराई के तौर पर काम करती हैं, एक रोकथाम के तौर पर काम करती हैं। इसलिए उनका मानना है कि जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन सभी को समाज के ऊपर से हटा देना चाहिए। दोस्तों दूसरे की फीचर की हम बात करें तो जे एस मिल का दूसरा की फीचर है रोल ऑफ स्टेट। तो मतलब रोल ऑफ स्टेट का मतलब सरकार का क्या रोल होने वाला लिबर्टी को लेके, इस बारे में भी जे एस मिल ने बात की है। तो जे एस मिल कहीं ना कहीं सरकार के रोल को लेके भी सस्पिशियस हैं। उनको लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट के तौर पर काम कर सकती है इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकने के लिए। इसलिए जे एस मिल लिबर्टी के कंसेप्ट को पूरी तरीके से सरकार के अंडर में सरेंडर करने को तैयार नहीं है। तो उनका मानना है कि सरकार किसी भी तरीके से इंडिविजुअल के लिए इंटरफेरेंस का काम ना करे। सरकार का रोल सिर्फ लिबर्टी को लेके इतना हो सकता है कि वो समाज के अंदर ऐसी सिचुएशंस को क्रिएट करे जिससे कि क्या होगा, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सभी को अपनी अपनी चॉइसेस और अपनी अपनी लिबर्टी को बेहतर तरीके से समाज के अंदर रियलाइज कर सकें। दोस्तों तीसरे की फीचर की हम बात करें तो जे एस मिल का तीसरा की फीचर है इंडिविजुअल लिबर्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि जे एस मिल जो है इंडिविजुअल लिबर्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और लिबरलिज्म का कंसेप्ट भी जो है इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करता है। यहाँ पर जे एस मिल कहते हैं द स्टेट शुड ले मोर स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम रेदर देन अ सोसाइटी एज अ होल। मतलब वो कहते हैं कि बजाय कि पूरे समाज के फ्रीडम को देखने के बजाय सरकार को जो है इंडिविजुअल फ्रीडम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर सरकार इंडिविजुअल फ्रीडम पर ध्यान देगी तो कोई भी इंडिविजुअल ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने डेवलपमेंट गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। और डेफिनेट सी बात है जब अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करेगा तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, और जब इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली इट अल्टीमेटली रिजल्टेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जब इंडिविजुअल फ्रीडम जब डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है वो समाज के डेवलपमेंट के लिए भी काम ज़रूर करेगा। तो यही जे एस मिल का मानना है, इसीलिए वो इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब इंसान को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वो अपने गोल्स को पाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना चाहता है, जैसे भी काम करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। दोस्तों अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आखिरी की फीचर की, तो वो है थ्रेट टू लिबर्टी। तो जे एस मिल ने थ्रेट टू लिबर्टी के बारे में ही बता रखा है, और जे एस मिल के अकॉर्डिंगली दो मेजर सोर्सेज हो सकते हैं जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी को थ्रेट बन सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है वो द लॉज मेक बाय द स्टेट्स, मतलब सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, ये भी किसी भी इंडिविजुअल लिबर्टी को रोकने का काम कर सकते हैं। ये पहला सोर्स बताया है जे एस मिल ने। और दूसरा सोर्स बताया है जे एस मिल की तरफ से, वो है द ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी। तो उनका ये भी मानना है कि समाज का ओपिनियन, या फिर हम समाज का मतलब यहाँ पर द ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर हम मेजॉरिटी भी बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी है जो बहुमत है, जो मेजॉरिटी है समाज की, वो भी ज़बरदस्ती अपने ओपिनियंस को किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर थोप सकती है, उसके ऊपर इम्पोज कर सकती है। और इस तरीके से मेजॉरिटी भी किसी भी इंडिविजुअल फ्रीडम को रोकने का काम कर सकती है। तो ये दो मेजर सोर्सेज हैं जो कि जे एस मिल की तरफ से बताए गए हैं कि ये दो सोर्सेज इंडिविजुअल फ्रीडम को रोक सकते हैं। हालांकि जो जे एस मिल हैं उन्होंने कुछ रीजनेबल, बहुत ही लिमिटेड इंटरफेरेंस को अलाउ किया है सरकार के, और वो सिर्फ ऐसे ही केस में हो सकता है कि जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को हार्म करने की कोशिश करे लिबर्टी के नाम पर, सिर्फ ऐसे ही केस में सरकार का इंटरफेरेंस को जायज़ ठहराते हैं जे एस मिल। दोस्तों ये था नेगेटिव लिबर्टी कंसेप्ट पूरा, और जे एस मिल की लिबर्टी कंसेप्ट, दोनों का कंसेप्ट लगभग एक जैसा है। अब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी की। दोस्तों तो पॉजिटिव लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो नेगेटिव लिबर्टी से काफ़ी हद तक अलग है। दोस्तों जहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी आपसे बोलती थी इट मीन्स ऑल द कंस्टेंट्स आर इविल इन नेचर, मतलब
जितने भी जो कंसेंट्स हैं वो समझ बुराई के तौर पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव लिबर्टी का मानना है कि कुछ कंसेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि समाज के हर एक सोसाइटी के जो लोग हैं, मतलब समाज के अंदर हर एक वर्ग के जो लोग हैं, उन सभी को जो है लिबर्टी मिल सके, बेहतर तरीके से इंजॉय कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कुछ पॉजिटिव कंसेंट्स का होना। तो जहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी ने आपसे बोला था एब्सेंस ऑफ ऑल द कंसेंट्स, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी आपसे बोलती है देर इज सम नीड ऑफ सम पॉजिटिव एंड सम मिनिमम कंसेंट्स, स्पेशली द लीगल कंसेंट्स, खास तौर पर जो है लीगल और स्टेट के द्वारा बनाए गए कानूनों की ज़रूरत होती है, जिससे कि समाज के अंदर हर एक जो वर्ग के लोग हैं वो अपनी लिबर्टी को बेहतर तरीके से दोस्तों इन्जॉय कर सकें। तो दोस्तों आगे हम बात करें पॉजिटिव लिबर्टी की, तो जहाँ पर नेगेटिव लिबर्टी आपसे कहती थी कि द स्टेट इज़ द एनिमी ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी कहती है कि स्टेट इज़ नॉट द एनिमी ऑफ द लिबर्टी बट इट इज़ अ बेस्ट प्रमोटर ऑफ द लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी कहती थी कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल लिबर्टी को रोकने का काम करती है, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी कहती कि नहीं, राज्य या फिर सरकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लिबर्टी को बहुत ही सही तरीके से पूरे समाज के अंदर प्रमोट करता है। और दोस्तों सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी कानून या फिर राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगा, उसका कोई भी रोल नहीं होगा, तो ऐसे केस में एक एनार्की सिस्टम बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो और आसान भाषा में समझें तो जो पावरफुल लोग होंगे वो हमेशा कमज़ोर लोगों को दबाएंगे, तो पावरफुल लोग तो अपनी लिबर्टी को पूरी तरीके से इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं वो अपनी लिबर्टी को इन्जॉय कभी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के द्वारा बनाए गए कुछ नियम कानून जो कि समाज के अंदर ये सुनिश्चित कर सके कि समाज के अंदर कमज़ोर से कमज़ोर जो इंसान है वो भी अपनी लिबर्टी को पूरी तरीके से इन्जॉय कर सकता है। तो दोस्तों अगर इसको कंक्लूड किया जाए पॉजिटिव लिबर्टी को, तो कहता है द कोर ऑफ दिस कंसेप्ट इज लाई इन द फैक्ट दैट देर इज नो लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी। मतलब ये कहती है पॉजिटिव लिबर्टी आपसे कहती है कि किसी भी राज्य के अंदर जब तक समानता नहीं होगी, जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, तब तक लिबर्टी नहीं हो सकती है। और समानता लाने के लिए ज़रूरी है सरकार कुछ नियम कानून बनाए जिससे कि समाज के अंदर हर एक तरीके के जो लोग हैं वो इक्वल तौर पर अपनी अपनी लिबर्टी को इन्जॉय कर सके। तो ये पूरा कंसेप्ट था पॉजिटिव लिबर्टी का। तो हमने पूरी लिबर्टी के कंसेप्ट को समझा, नेगेटिव पॉजिटिव उसका इंट्रोडक्शन भी समझा और JS मिल के व्यूज़ भी देखे। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।